नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम आपसे बात करने वाले हैं धुंधला दिखाई देने के बारे में, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा टीवी या फिर स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उस समय क्या इसके लक्षण हैं, किन कारणों से आखिर ये होता है, और जब बात इलाज की करें तो आखिर इसके लिए क्या कोई इलाज करवा सकता है, किस तरीके से इलाज होता है? देखिए, धुंधला दिखना आँखों का मेन उसका फंक्शन है दिखाई देना, और अगर धुंधला दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या, और नेत्र चिकित्सक से मिलकर धुंधला दिखने के कारण जानने होंगे, उचित उपचार करना होगा। जैसे कि सबसे सामान्य चीज़ें जो होती है धुंधला दिखने का, जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब ये कि धुंधला दिखता है और उचित उपचार से पूरी रोशनी आ जाती है, तो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस के सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं रिफ्रैक्टरी एरर। रिफ्रैक्टरी एरर का मतलब होता है जो चश्मे से ठीक हो जाए। तो चश्मे जो है वो करीब 65% धुंधलापन दिखने का, अंधत्व का कारण चश्मा ही होता है। वो चश्मा को आप उचित डॉक्टर से मिल करके उसमें ऐनक का नंबर ले लें, चश्मा पहने, आपको ठीक दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि एक आंख में होता है, बच्चों में होता है। तो बच्चों में अगर एक आंख में चश्मे की ज़रूरत है और एक में नहीं है, तो बच्चे अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, और अगर बचपन में उसे ठीक नहीं किया गया तो एक एम्ब्लायोपिया नाम की बीमारी का जनक होता है, जिसमें एक आंख की रोशनी चली जाती है और आगे कितना भी उपाय कर ले तो नहीं ठीक होती है। लेकिन उसका बड़ा सरल उपाय है कि 9 वर्ष के कम के उम्र में उसको जांच करके चश्मे का नंबर दे दें, ताकि नस बनी रहेगी और उसके आगे वो अंधत्व नहीं होगा। इसीलिए बच्चों में तकलीफ ना हो तो भी बच्चों का समय समय पर नेत्र जाँच जरूरी है, ताकि बच्चे में एम्ब्लायोपिया न हो, क्योंकि 9-10 वर्ष के बाद अगर वो मालूम भी चलता है तो कितना भी कुछ कर ले उनकी रोशनी नहीं आती है। तो ये तो चश्मे का बात हुआ। और बच्चों का आजकल देखे होंगे कि आजकल जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें सोशल मीडिया अगर है तो, मान लीजिए बूढ़े हैं तो रामायण महाभारत में बिजी हैं, बड़े हैं तो फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी हैं, बच्चे हैं तो वीडियो गेम में बिजी हैं, हर तरह के चीज़ में। तो एक कंप्यूटर का जो काम है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्क फ्रॉम होम हुआ लोगों का, तो इनसे आधुनिक जीवन शैली में कंप्यूटर एक जीवन शैली का अंग है, और कंप्यूटर के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में दिक्कतें आती हैं, जिसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राई आई कहलाता है। उसमें भी आंखों में दर्द वगैरह होता है, और धुंधलापन कभी कभी क्षणिक होता है, क्षणिक धुंधलापन होता है, लेकिन वो थकान, आंखों की थकान से होती है, तो उसमें देखना होता है। इसके अलावा हम लोग जो बात कर ले सेकेंड में, तो मोतियाबिंद से भी धुंधलापन दिखता है, लेकिन मोतियाबिंद वालों का उम्र आमतौर पर थोड़ा ज़्यादा होता है। मोतियाबिंद में कभी कभी डिप्लोपिया होता है, तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर दिखाना है कि मोतियाबिंद है कि नहीं। ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, अगर ऑपरेशन होगा तो सब वो वापस आ जाएगा। लेकिन जो रोशनी डायबिटीज़ के कारण जाती है, उसमें भी कम धुंधला दिखाई देता है, वो डायबिटीज़ के कारण गई हुई रोशनी कितने दफ़े लौट के नहीं आती है। इसलिए अगर समय पर उसका उपचार कर लें तो आप प्रिवेंट कर सकेंगे रोशनी जाना, और आप मामूली इलाज से जीवन भर व्यक्ति का रोशनी बरकरार रहेगा। इसी तरह से ग्लूकोमा देख ले, तो ग्लूकोमा में भी जो रोशनी जाती है लौट के, तो उसमें भी कम दिखाई देता है। अगर आप मैकुलर डिजेनरेशन, आजकल जो आधुनिक साइंस के एडवांसमेंट के बाद, मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के बाद लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े हैं, लाइफ स्पैन बढ़े हैं, तो आंखों के पर्दे में खराबी जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशंस होते हैं वो हो जाते हैं, उसमें भी कम दिखता है। उसके भी अलग अलग जांच करके देखना होता है कि उम्र में क्या किस कारण से कम हुआ, वो कितने दफ़े रिवर्सिबल नहीं होते हैं। तो इसके साथ ही हम देख लें कि आपका जो कम दिखने का जो कारण है, अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन में कुछ हो जाए, ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो, उसके भी मैनिफेस्टेशन आँख में होते हैं और आँखों से कम दिखता है। तो आँखों में कम दिखने के कारण बहुत सारे हैं, एक नेत्र चिकित्सक ही उसे देख सकता है और हिस्ट्री बना करके। बाकी आजकल के ज़माने में जिस तरह से विज्ञान की प्रगति हुई है, एक से एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आए हैं जिसमें कि अगर रोशनी कम हो लोगों को, तो वो जाके दिखवा ले कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, क्योंकि जितना जल्दी हम जानेंगे उतने जल्दी उसका रोशनी बचा के रखेंगे। तो उसके बाद आप सारा कुछ जान सकते हैं, जैसे कि समरी में हम कर लें भाई कि आपको आँख में करने का रिफ्रैक्टरी एरर, चश्मे जो ठीक होता है, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा के कारण जाती है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, डायबिटीज़ के कारण जाती है,
ब्रेन ट्यूमर के कारण जाती है, बहुत सारी चीज़ों के कारण आँख की रोशनी जाती है। अगर रोशनी जाए तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित उपचार करा ले ताकि रोशनी आपकी बची रहे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे जिन्होंने हमारे साथ आंखों के धुंधले होने के बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।